Hello kids, a very good morning to you. So, in listening and speaking activity period, what we are going to learn today, that we are going to learn in a three language. Okay, how to introduce yourself. So, my introduction. So, chalo shuru karte hain. Maine yahan pe three language mein likha hai ki three language mein hum kaise bolte hain. Okay, so, main हिंदी में मी मराठी में एंड आई इन इंग्लिश. ओके सो मैं मी एंड आई ये हो गया आई मीन्स खुद के बारे में अगर आप बोल रहे. नेक्स्ट मुझे मला आई और मी. ओके मुझे मला आई और मी अगर आप अपने मुझे मला दे मुझे दो I want, okay, like that. So मेरे हिंदी में होता है उसके बाद माझे आणि माझा. For this we are using in English my. मेरे means my. तसंच मराठी मध्ये माझे किंवा आपण माझा म्हणतो. Next is मेरी मेरी माझी माझा same आपण इथे यूज करतो my. Okay मेरी माझी माझा म्हणजे माय. नेक्स्ट हूँ हूँ मीन्स सेंटेन्सच्या शेवटी आहे हे माझ्याकडे आहे. मे हू ना मीन्स आहे. यहाँ पे एम मीन्स आय एम अ बॉय मी मुलगा आहे मी मुलगी आहे आय एम अ गर्ल सो एम. नेक्स्ट इज है म्हणजेच आहे से इज. ओके दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट आता आपण हे शॉर्ट मध्ये पाहिलं. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेंटेन्सेस इन थ्री लँग्वेजेस मीन्स मे हू ना मे नेहा हू. हियर देर इज वन गर्ल इंट्रोड्यूसिंग हर सेल्फ मे हू ना मे नेहा हू. सो शी इज टेलिंग इन हिंदी कि मे नेहा हू. यहाँ पे आप अपना खुद का भी नाम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ है मी नेहा आए ही सकते कि मी नेहा शी इज टेलिंग हर नेम इन इंग्लिश आई एम नेहा. सो इफ समबडी विल आस्क यू योर नेम सो यू कैन से माय नेम इज सो एंड सो आई एम नेहा. हियर आई कैन से आई एम तेजू. ओके सो नेक्स्ट मैं लड़की हूँ. नेहा बोल रही है कि मैं लड़की हूँ. इन मराठी तसंच ती म्हणते की मी मुलगी आहे. इन इंग्लिश आय एम अ गर्ल. ओके सो काय म्हणते ती व्हॉट शी इज टेलिंग आय एम अ गर्ल मी मुलगी आहे मैं लड़की हूँ. अगर यहाँ पे बॉय है तो मैं स्वराज हूँ मैं राहुल हूँ मैं दीपक हूँ ऐसे यूज कर सकते हैं. मैं मी दीपक आहे आई एम दीपक ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं. आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप अपने बारे में बताओ. से आप लड़के हो तो मैं लड़का हूँ मी मुलगा आहे आई एम अ बॉय. ओके नेक्स्ट सेंटेंस भी मैं जाती हूँ मी जाते आई गो. इन इंग्लिश से आई गो. से मैं स्कूल जाती हूँ. प्रैक्टिकली आई नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल बट यहाँ पे हम मार्केट भी यूज करते हैं मार्केट वर्ड भी यूज करते हैं. मैं स्कूल जाती हूँ मैं शामिल जाते आई गो टू स्कूल. हियर यू कैन यूज आई गो टू मार्केट एवरी डे आई गो टू मार्केट विद माई मॉम एंड डैड लाइक. ओके सो तीन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे तुम आप और हम. तुम आप और हम हिंदी में हो गया और तू तुम्ही आण आम्ही हे मराठी मध्ये झालं. आता इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात यू अँड वी. तुम म्हणजे तू इन इंग्लिश यू. यू हे सिंग्युलर आणि प्ल्युरल हे दोघांसाठी पण यूज होतो. अँड वी मीन्स आपण सगळे. ओके हम
म्हणजेच वी आपण सगळे ओके व्हाय आय एम टीचिंग यू दिस बिकॉज आवर प्रोनाउन्स टॉपिक इज गोइंग ऑन सो इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऍक्टिव्हिटी पीरियड आय टॉट यू दिस ओके सो व्हाट यू हॅव टू डू टुडे यू जस्ट स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर अँड टॉक at least 5 or 7 sentences about yourself. Okay? So, आपको आईने के सामने खड़ा रहना है और आपका पूरा इंट्रोडक्शन देना है कि I am a Teju. I am giving my example. So, I here use my name. So, you can use your name. So, take your name that I am Anushree, I am Shah, I am Advait like that. So, I am a boy. Or those who are girls, that they can say, I am a girl. So, I am Teju. I am a girl. I go to school every day. Then, I like to play in the garden. I like to eat ice cream very much. I read a book every day. Okay? These type of sentences we have to speak in front of mirror. Okay? So, how that I am going to tell you. Okay, dear students, just I told you how to shoot or how to stand in front of mirror and you have to speak a few lines about yourself. Okay, so tell your mama or dada ki do the shooting of your okay. So in your bedroom or somewhere or wherever your mirrors are there, you have to stand like that. Okay, and speak about yourself. Whatever you want to speak, but speak in English only. So now I'm giving my introduction. I am Teju. My name is Teju and I am a girl. I'm in class first. Here you say, you talk about yourself. Okay. I am a teacher. I like to go to market every day. I like to eat ice cream. I like to play in the garden. So you like this, you have to talk some sentences, okay, and send it to me on my personal account. Bye.